सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आए तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्जाम हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 5 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है? और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है। तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। तो आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियाँ बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी जाती मिल्कियत कितने हैं? मेरी जाती मिल्कियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनीगाला में जो हमने बनाया था उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। इल्जाम क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पर जो चाहे इल्जाम लगा दो। जो चोर हैं डाकू उनके इल्जाम नहीं लगते, वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं, वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता तो बहुत, देखिए अगर आप करना चाहें कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहां चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से नमक हरामों से नाराज है। आवाम से नाराज नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा है? सीधी सारी बेचारी किन जाती, कितने गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। डबल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबार में आता है कि टंबकटू में आपका कोई होटल भी है? ये बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है, हमने तो गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं, हम सब ने मिल के 8-10 आदमी ने चंदा करके तो तकरीबन $50,000 थे उसको, वहाँ जगह उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की जरूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर खरीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? ये होता है कभी कभी, आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम